हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल नेहा आशीष तिवारी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में बोला था कि अपने अपने काम में व्यस्त होंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने काम में व्यस्त होना। सो मेरा जो साड़ियों वाला व्लॉग था वो आप लोगों ने इतना ज़्यादा पसंद किया। आपका प्यार और सपोर्ट तो वैसे भी हमेशा ही मेरे साथ होता है, और बहुत कम ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप लोग डिमांड करते हैं कि दीदी इस चीज़ का आंसर करो या फिर ये व्लॉग शेयर करो। तो बहुत ही कम डिमांड होती है। अगर मैं क्वेश्चन आंसर ब्लॉग भी लेकर आती हूँ ना, तो आपसे सामने से पूछती भी हूँ सवाल, आप पूछ सकते हैं जो चाहे, तब भी आपके सवाल बहुत कम होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा तो यही आप लोग कमेंट करते हो कि बस आप खुश रहो, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हम हमेशा आपके साथ हैं। तो अभी जो मैंने ब्लॉग शेयर किया था उसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि दीदी और भी जो साड़ियाँ आप लेकर आई हो वो हमें दिखा दो। तो मैंने सोचा कि मैं लगत में ही ये वाले जो ब्लॉग हैं शेयर कर देती हूँ। तो ये जो साड़ियाँ बची हुई थी वो मैं आपके साथ में शेयर कर दूं, जो कि मेरे लिए बहुत बहुत ख़ास हैं। हर एक चीज़ से, हमारी छोटी से छोटी चीज़ से हमारी एक याद जुड़ी होती है वो, और मेरे लिए तो ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। अगर ये सारी साड़ियाँ मेरे पास पहले होती तो मैं अपने भाई की शादी में यही सारी साड़ियाँ पहनती, क्योंकि तो उससे मुझे जितनी खुशी मिलती ना वो तो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। कोई बात नहीं, अब जो भी मौका पड़ेगा उसमें हम ये सारी साड़ियों को फिर से हम पहनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपके साथ में वो वाली साड़ी शेयर करूँगी जो आशीष जी ने मुझे पहली बार गिफ्ट करी थी। मेरे भैया की शादी थी मेरी शादी के 6 महीने बाद, और मुझे बारात, हमारी जो भैया की बारात थी वो जानी थी कानपुर, वहाँ के लिए, कानपुर नहीं सॉरी इलाहाबाद। तो मुझे साड़ी तब पहननी थी बारात में, और रिसेप्शन जो हमारा होना था इटारसी में उसमें मैंने लहंगा पहना था। तो आशीष जी खुद से मेरे लिए साड़ी लेकर आए थे पहली बार, और जो कि सबको बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। मैंने भी वेयर की थी, तो उसकी फ़ोटोज़ नहीं, वो एल्बम में हमारे पास फ़ोटो है पर वो एल्बम अभी मिल नहीं रहा है। तो ये है वो साड़ी जो कि उतने टाइम आशीष जी मेरे लिए लेकर आए थे, और मुझे भी इतनी ज़्यादा पसंद आई ना। और उतने टाइम पर ऐसा होता था ना कि ये जो साड़ी है ये 2200 की थी, और नीतू दीदी का कॉल आ रहा है, दीदी लगा रही हूँ थोड़ी देर से। 2200 की साड़ी थी, और जैसे ही मैंने, हम ऐसा होता है फीमेल के साथ में ही होता है कि अगर हमें गिफ्ट भी दिया जाता है तो सबसे पहले हम सोचते हैं कि यार ज़्यादा महंगा तो नहीं है। तो मैंने पूछा तो बोले कि तुम्हें क्या करना है उससे, तो मैंने कहा नहीं बताइए ना कितने की है, तो बोले 2200 की। मैंने कहा 2200 की साड़ी, इतनी महंगी साड़ी लाने की क्या ज़रूरत थी, ये रिएक्शन था मेरा। तो बोले यार भाई की शादी है, तुम एक ही बहन हो तो तुम्हें अच्छे से साड़ी पहननी चाहिए ना, हमारी नई नई शादी हुई है ना। तो उतने टाइम पर मुझे ऐसा लगा कि यार बहुत महंगी साड़ी लेकर आए हैं। तो ये है वो साड़ी, और बहुत सुंदर, जब मैंने इसको पहना था ना तो सब ने इतनी तारीफ़ करी थी, और ये साड़ी तो छा गई थी। हमेशा सब यही बोलते थे कि कोई भी कुछ भी ऐसा होता था ना कि यार तुम्हारी वो साड़ी तो अभी भी हमको याद है, बहुत सुंदर साड़ी थी, इसको मैंने सीधे पल्ले में वियर किया था, और इसकी जो फ़ोटोज़ आई थी ना वो इतनी लाजवाब फ़ोटो थी। जब मैंने इसको पहना तो बहुत खुश हुए आशीष जी, पूरा बस ऐसी साड़ी है और इसमें अलग से कोई पल्लू नहीं है, बस ये जो बॉर्डर है ना यही है। तो ये मेरी पहली गिफ्टेड साड़ी है जो कि मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, और अगर ये मेरे पास होती तो मैं मेरे भाई के मेहंदी में इसी को पहनती, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो पर मैं बहुत जल्दी इसको वेयर करके आप सबको बताऊंगी। और ये है मेरी साड़ी जो मुझे चढ़ाव में चढ़ाई गई थी, मेरे जो 7वां फेरा होता है ना, मतलब पहले तो मामा की दी हुई साड़ी पहनते हैं पीले कलर की, और फिर उसके बाद 7वां फेरा जो होता है ना तो उसमें हम पहनते हैं ससुराल की साड़ी। तो ये देखिए, ये वो साड़ी है जो मैंने फेरों के टाइम पहनी थी, इसी को पहनकर मैंने फेरे किए हैं, इसी को पहनकर मैं अपने घर से विदा हुई हूँ, इसी में मेरा गृह प्रवेश हुआ है। तो ये साड़ी मम्मी ने ख़रीदी थी जबलपुर से, और भी मम्मी की चॉइस बहुत अच्छी है मेरी सासू माँ की, तो उनको भी ऐसे ही मेरे जैसी सिंपल साड़ियाँ पसंद आती हैं जैसे कॉटन सिल्क, तो सिल्क भी उन्होंने चढ़ाई हुई थी, और उन्होंने बोला हुआ था कि ये वाली साड़ी उसको पहनाना, लेकिन फिर ये ज़्यादा सुंदर लग रही थी वहाँ सबको तो उन्होंने मुझे ये पहना दी थी। वो सारी फ़ोटोज़ तो हैं मेरे पास, एल्बम है उसका, लेकिन वो मम्मी मुझे देती नहीं हैं, उसका जो भी रीज़न है उनका तो आप समझ सकते हैं। तो वो एल्बम मुझे मेरे हाथ में नहीं देती, नहीं तो मैं आपको ज़रूर से दिखाती।
ये साड़ी भी मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है, और ये ना ऐसा वाला वर्क है, इसमें जो चुभता नहीं है ना, बहुत प्यारी। इसको मैंने बहुत कम ही वेयर किया हुआ है, और भी जो चढ़ाव की साड़ियाँ भी वहीं रखी हुई हैं, मैं ये एक ही लेकर आई हूँ वहाँ से। और एक ये साड़ी है, जब मेरे छोटे भाई की शादी हुई थी ना, तब मैंने इसको वेयर किया था। नेट का बहुत ट्रेंड चला था बीच में, अगर आप लोगों को याद हो तो, इसका ब्लाउज़ भी इसी में रखा हुआ है। छोटे छोटे से ब्लाउज़ बनते थे मुझे, एकदम छोटू छोटू से। ये तो अभी भी हो जाएगा। इसका कलर सबसे पहले, इसमें देखिए पेटीकोट भी रखा हुआ, पूरा सेट बना के रखा हुआ था मैंने ये। इसका कलर डार्क शेड, जो कि ब्लू कलर बहुत ही खिल के आता है, और इसका जो वर्क है ना, ये पूरा ऐसे स्टोन वाला है। पूरी हैवी साड़ी है भरी हुई, और ये अभी भी पहनेंगे ना तो बहुत खूबसूरत लगेगी, क्योंकि नेट हमेशा ही अच्छा रहता है, अच्छा लगता है मतलब। तो ये ऐसी है कुछ लहंगा पैटर्न की साड़ी, यहाँ से दिखाती हूँ आपको। इतने सालों से खुली नहीं है ना, तो ये इसका जो वर्क है वो चिपक गया है। ये है पूरी साड़ी, जो कि अभी भी पहनी जाए तो बहुत खूबसूरत लगेगी। कलर कितना खिलता हुआ सा, कितना प्यारा कलर है इसका। ये जब मैंने बारात में पहनी थी ना, तो जब भाई की बारात जा रही थी, तो आशीष जी को ढोल वगैरह बजाना आता है ना, तो वो ढोल बजा रहे थे और मैं डांस कर रही थी। उसकी वीडियोज़ भी हैं, फ़ोटोज़ भी हैं, बस वो अभी मेरे पास नहीं है। इसको मैंने दो ही बार पहना हुआ है, एक बार भाई की शादी में, एक बार भांजी की शादी में। पर मन है ये सारी साड़ियों को फिर से पहनने का, अगर समय रहते होती मेरे पास में, तो मैं ज़रूर से इनको बहुत अच्छे मौके पर पहनती। एक दुपट्टा आपको दिखाऊंगी मैं, ये देखिए। जब हम लोग सूरत गए थे ना शॉपिंग करने के लिए, तो वहाँ से ये जो दुपट्टा है ये मिला था, ये मंदिर से मिला था। वहाँ पर जो मंदिर है ना, वहाँ से मुझे मिला था। तो ये ऐसा है, यहाँ पर ब्रॉच है, और आप इसको सिर पे लेने वाला नहीं है, ये दोनों साइड इसमें ब्रॉच लगा हुआ है, और आप इसको ऐसे वियर कर सकते हैं। हल्का सा चाहे तो आप इसको सिर पे कर लीजिए ऐसे करके, बाकी ये पूरा जो दुपट्टा है वो इस टाइप का है। बहुत अच्छा लगता था। मैं ना, जो मेरी शादी का दुपट्टा है ना, वो भी रखा हुआ था, उसको निकालने की या उसको छूने की हिम्मत मेरी नहीं हुई। भाई का कॉल आ रहा है, हेलो, ठीक है, हाँ 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 बताती हूँ, रुको, अभी मैं ब्लॉग बना रही थी। सब छोटे भाई का कॉल आ गया, तो पूछ रहा है कि शूट वगैरह कुछ करना है क्या, वही मेरा शूट करता है। तो ये है मेरा दुपट्टा, जो कि मैं आपको दूर से दिखाऊं। मैं क्या करती थी ना, मेरे शादी का जो दुपट्टा रहता था ना, उसको कोई भी पूजा पाठ में, क्योंकि हमें वही दुपट्टा लेना होता है, और अभी मेरी हिम्मत नहीं हुई उसको निकालने की, रखा हुआ था सामने, नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो देखूँगी। तो उसको, क्योंकि वो मैंने फिर से उसको अपने हाथों से बनाया हुआ था, उसकी जो लेस थी उसको चेंज करवाई थी, तो वो मैं सिर पर लेती थी, और इसको मैं ऐसे साइड में ले लेती थी, क्योंकि ये माता जी का चढ़ा हुआ है ना, तो ये बहुत सुंदर लगता था, इसका लुक बहुत प्यारा आता था, बहुत सुंदर। काफ़ी लोगों ने इस तरीके के दुपट्टे को ढूंढने की फिर कोशिश करी, लेकिन ऐसा वाला नहीं मिला। बहुत सुंदर ये है। और मेरी पहली शादी की जो सालगिरह थी, एक साल कैसे हो गए थे ना शादी को, पता ही नहीं चला। जब सालगिरह आई ना, तो हम लोग ऐसे बैठे और सोच रहे कि यार एक साल हो गए हमारी शादी को, हमको ऐसा लग रहा है जैसे ये तो कल परसों की बात है। बिल्कुल भी पता नहीं चला हमारी शादी के एक साल कैसे हो गए थे, और इतने साल कैसे हो गए वो तो। तो ये है वो साड़ी जो मैंने शादी की पहली सालगिरह पर पहनी थी, और इसकी बड़ी सी तस्वीर भी है जो मैं वहाँ से लेकर आ गई हूँ। अभी हर साल हम लोग सालगिरह पर तस्वीर खिंचवाने, मतलब फ़ोटो खिंचवाने जाते थे, और उसकी फिर हम फ़ोटो फ्रेम बनवाते थे। तो हमारे पास सारे साल की जो फ़ोटो फ्रेम है वो रखी हुई है। ये साड़ी
मैं सीधा पल्ला पहनती थी, कॉटन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था और ये मेरी सासू माँ ने मुझे दिलवाई थी कि तुम रेड कलर की साड़ी पहनना। पहले हम लोग मंदिर दर्शन के लिए गए और फिर जैसे भी छोटा सा सेलिब्रेशन हमको करना था वैसा हमने किया। इसका पल्लू बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, ये है इसका पूरा पल्लू, वो साड़ी प्लेन है। इसको बंगाली साड़ी बोलते हैं और हमारे ना एक सेल करने के लिए घर पर ही आते थे एक भैया, तो हम उनसे ही ये साड़ियाँ लेते थे। और इसका पूरा पल्ला ऐसा भरा हुआ है, दूर से इसे देखो ना तो ये पूरी सिल्क जैसी दिखती है, पूरा पल्ला इसका भरा हुआ है। टेसल्स मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे। कोई भी साड़ी जब मैं ख़रीदती थी ना तो मैं सबसे पहले उसको ऐसे पकड़ती थी और उसका पल्लू ऐसे लगाकर और इसे सिर पे लेकर देखती थी, क्योंकि मैं सीधा पल्लू लेती थी तो मैं सबसे पहले यही देखती थी कि ये साड़ी ऐसे में कैसी लग रही है। तो ये तो जैसे ही उन्होंने रखी, मम्मी ने बोला बेटा ये साड़ी तुम सालगिरह पर पहनना। रेड कलर की तो बात ही अलग होती है, वो तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। एक ही ये साड़ी जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी क्योंकि ये मल्टी कलर की साड़ी है, मैं मल्टी चूड़ियाँ पहनती थी ना तो ऐसी मल्टी साड़ियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती थी। इसमें ये मैंने जब जब पहनी है सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई है, क्योंकि बस इसमें बनारसी एक बॉर्डर दिया हुआ है और इसमें इस टाइप के बूटे हैं, बाकी पूरी साड़ी ऐसी ही है। अभी भी पहनेंगे ना तो बहुत सुंदर लगेगी और इजीली ड्रैप भी हो जाती है, ये जो फैब्रिक रहता है ना इजीली ड्रैप भी हो जाता है। तो कुछ इस तरीके का जो कलेक्शन था मेरे पास मिलता था, वर्क वाला कलेक्शन मेरे पास नहीं था ना कि मुझे पसंद था। और एक ये साड़ी, ये मैंने भागवत में पहनी थी और भागवत में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। सिंपल है, ये मेरी मम्मी ने मुझे दिलवाई थी इटारसी से। ज़्यादातर मेरी साड़ियाँ इटारसी की ही हैं, जैसे ये है ये भी इटारसी की। जब मैं रक्षाबंधन पे आती थी ना तो कम से कम 6 से 7 साड़ियाँ मम्मी मुझे यहाँ से दिलाती थी मेरी पसंद की। तो ये है जिसमें सिंपल सा एक बॉर्डर दिया हुआ है, बॉर्डर बहुत खूबसूरत है। और मैं थोड़ा सा ऐसा मोटा वाला फैब्रिक लेती थी ना ताकि थोड़ी सी हेल्दी दिखूँ सीधे पल्ले में, इसलिए मैं अच्छी लगती थी क्योंकि सीधे पल्ले में थोड़े हेल्दी दिखते हैं। तो एक ये है, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा दिल के करीब मेरी ये साड़ी है क्योंकि आशीष जी को बहुत ज़्यादा पसंद थी। इसका कलर भी अच्छा भी है, खिलता हुआ सा भी है, आप इसको कहीं पर भी वेयर कर सकते हो, ऐसी साड़ी है। तो कैसी लगी आपको ये सारी साड़ियाँ ज़रूर से बताइएगा कमेंट बॉक्स में, कौन सी साड़ी आपको ज़्यादा पसंद आई। मुझे भी बस जैसे कल मुझे जाना था वैसे अभी मुझे जल्दी से रेडी हुई मैं कुछ खाकर और फिर मैं निकलूँगी। आज थोड़ा सा ठीक सा नहीं लग रहा है, लो फील कर रही हूँ क्योंकि कल बुटीक से लेट आई थी और रेस्ट नहीं मिल पा रहा है मुझे, क्योंकि काम थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है ना तो रेस्ट नहीं मिल पा रहा है। इसकी वजह से सुबह जल्दी उठकर फिर थोड़ी एडिटिंग करके और मैंने जो मेरा सेकेंड चैनल है उस पर ब्लॉग वगैरह डाला, तो इस वजह से थोड़ा सा लो फील कर रही हूँ क्योंकि गर्मी है। और आप भी ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए क्योंकि अभी तबीयत ख़राब अगर होगी ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है गर्मी में। तो बस निकलते हैं यहाँ से अभी बुटीक के लिए, और जो भी आप लोगों ने अभी आशीष जी के जन्मदिन वाले व्लॉग पर उन्हें इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी उसके लिए थैंक यू सो मच आप लोगों को। वो जो महाआरती वाला व्लॉग था, भंडारे का व्लॉग था, बहुत ज़्यादा पसंद आया। सभी ने उसमें लिखा है कि इससे बेहतर क्या हो सकता है, तो सही बात है, इससे बेहतर क्या हो सकता है। इसीलिए मैं उनके शहर में जाकर जहाँ वो रहे हैं, जो उनकी जन्मभूमि है, वहाँ जाकर ये भंडारा करवाना चाहती थी। और अगर ईश्वर ने चाहा, अगर पॉसिबल हो पाया तो हर साल उनके बर्थडे पर हम यही करवाएंगे और अगले साल हम विशाल भंडारा करवाएंगे। और आरती का ऐसा है कि मैं अब जब भी जाया करूँगी तो आरती ज़रूर से करवाऊँगी क्योंकि मन को इतनी शांति मिली, सुकून मिला। और अब जो आरती का व्लॉग है ना मैं पूरा शेयर करूँगी क्योंकि अभी हम अच्छे से वो व्लॉग शेयर नहीं कर पाए, इतना ज़्यादा मगन हो गए थे। पर अगली बार मैं किसी को लेकर जाऊँगी जो इस व्लॉग को अच्छे से शूट कर सके। तो ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं आपसे जल्दी ही। तो बस खाना वाना खा के अभी मैं निकलूँगी बुटीक के लिए। गर्मी इतनी तेज़ हो रही है ना कि बाहर निकल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे आग के गोले हैं। क्या चाहिए? मन ही नहीं कर रहा कुछ, गर्मी में खाने का तो मन नहीं कर रहा। तबीयत ठीक नहीं है तो मन नहीं। क्या खाएगी जो बना ले? कुछ भी नहीं, कुछ तो खा ले। वहाँ तो बाजू में चाट वगैरह मिलती तो नहीं खाती, मैं चाय पीती हूँ बस वहाँ। कल तो टिफिन ले गई थी सब्जी रोटी का, वैसे ही आ गया टिफिन लेके गई, वैसे ही आ गया। घर से कुछ भी नहीं खाया, कोई गर्मी में कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा।
क्या खा ली यार? तबीयत ठीक नहीं है, दवाई खाना यार बेटा, कुछ तो खा ले। ये ही नहीं खिला रहा मुझसे, भूख ही नहीं लग रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। लेट हो रही हूँ और मैं लेट पे लेट हो रही हूँ। मैं जाऊँगी तब हमारे मास्टर जी वहाँ से तब निकलेंगे, क्योंकि अभी मधु नहीं है ना, मधु नहीं है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत जा रही है। वो आ जाएगी, वैसे भी कल हमारा मंगल के दिन मंगल रहता है, तो कल मेरे को रेस्ट मिल जाएगा थोड़ा सा। तो चलते हैं जल्दी से अपने बुटीक पर और मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अच्छी तबीयत लेकर। अच्छी नहीं, मैं ठीक हूँ, बस वो गर्मी के कारण थोड़ा ऐसा अजीब, मेरे को गर्मी सहन नहीं है ना, गर्मी बिल्कुल मेरे को बर्दाश्त नहीं होती, ठंड का सीज़न मेरे को अच्छा लगता है। और हाँ, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि जो देखा हुआ है मैंने, ये वर्ड मैं बताऊँ, डाउनफॉल, तो जो लोग ये चाह रहे हैं कि जल्दी से मेरा डाउनफॉल हो जाए, तो अपनी मेहनत से, खुद की मेहनत से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, और मेरे साथ ईश्वर है, मम्मी पापा का आशीर्वाद है, वो मम्मी पापा का आशीर्वाद है, आशीष जी का आशीर्वाद है, बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे प्यार करते हैं, जिनकी दुआएं मेरे साथ हैं। तो अगर मेरी नीयत साफ़ है, अगर मेरा मन साफ़ है ना, तो दुनिया की कोई भी बुरी भला मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। किसी एक दो तीन चार लोगों की बुरा चाहने से कुछ भी नहीं होता, बस आपको मेहनत, और ऐसा भी नहीं है कि बैठे बैठाए कुछ मिलता है, मेहनत करनी होती है। तो मैं अपनी साइड से 200% मेहनत करती हूँ, तब मुझे 100% लाइफ मिलता है। तो मैं अपनी मेहनत को जारी रखूँगी, और आप अपनी कामनाओं को जारी रखें, हंसते हुए आप अपनी कामनाओं को जारी रखें, क्योंकि जब ईश्वर ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, तो उन्होंने भी आगे मेरे लिए कुछ सोच रखा होगा, और उसकी सोच से बढ़कर आपकी सोच नहीं हो सकती। तो मुझे, और मुझे खुद पर भी इतना भरोसा है कि मैं कहीं ना कहीं मेहनत, अगर मेहनती इंसान है ना, तो वो कहीं ना कहीं मेहनत ज़रूर कर लेगा। तो मैं कमाने का दम रखती हूँ, अपनी बेटी को और ख़ुद को पालने का दम रखती हूँ, तो मैं तो कुछ भी कर लूँगी। आप अपना देखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और इसी तरीके से मुझे देखते रहें। ऐसे बोला।